अब आप ये देखिए कि हमारे संवाददाताओं ने आज दिन भर अपनी रिपोर्टिंग के दौरान अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर क्या देखा। देखिए, देश के लोग आज दिन भर यही पूछते रहे एक दूसरे से कि क्या चल रहा है पहले चरण की वोटिंग में। तो अब हम आपको बताते हैं कि आज दिन भर पहले चरण की वोटिंग में इन 102 सीटों पर क्या चल रहा था, और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो आपको कोई और नहीं देगा। इसलिए इस समय चेन्नई से हमारे साथ हैं शिल्पा नायर, जयपुर से शरद कुमार, छत्तीसगढ़ के बस्तर से सुमी राजप्पन, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से मंजीत नेगी, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हेमेंद्र शर्मा, नागपुर से अशोक सिंगल, बिहार के जमुई से रोहित सिंह, उत्तर प्रदेश के रामपुर से कुमार अभिषेक, पश्चिम बंगाल के कूचबिहार से ऋतिक मंडल और जम्मू कश्मीर के उधमपुर से हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस समय मेरे साथ हैं, और ये आज देश का सबसे बड़ा एग्जिट एनालिसिस होगा। आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले हम चलते हैं चेन्नई, क्योंकि आज तमिलनाडु में सबसे बड़ा चुनाव हुआ है, पूरा की पूरा तमिलनाडु, आज वहां पर चुनाव थे पूरे 39 सीटों पर। तो चेन्नई से शिल्पा नायर हमारे साथ हैं। शिल्पा, क्या तमिलनाडु के लोग प्रधानमंत्री मोदी को अपना थाला मानेंगे या नहीं? मेरा पहला सवाल तो यही है। आज आप दिन भर वहां रही, क्या देखा आपने? जी सुधीर जी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हैज फोकस वेरी मच ऑन तमिलनाडु दिस टाइम अराउंड। अगर प्रधानमंत्री के विजिट्स भी देखें तो जनवरी से उनका 8 या 9 विजिट्स हो चुके हैं अभी तक तमिलनाडु में। तो उससे हमें पता चलता है कि कितने इंटेंस से, कितना फोकस से बीजेपी यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि तमिलनाडु उनके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। तमिलनाडु उनको पता है कि एक आइडियोलॉजिकली एक हॉस्टाइल स्टेट है टुवर्ड्स बीजेपी, टुवर्ड्स हिंदुत्व आइडियोलॉजी। तो उनके लिए तमिलनाडु एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की तरह है। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री जो भी, अगर आप देखें काशी तमिल संगमम से या फिर सेंगोल न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल करने से, ये सब उनका एक तरीका है लोगों को ये बताने के लिए कि वो तमिलनाडु के लोगों को, जो लोगों का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, इन सबको वो बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो इसीलिए ही इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रीच आउट टू द पीपल ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे भी जब भी उनका पब्लिक मीटिंग्स होता है तो उनका एक लाइन प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि I regret not knowing Tamil. I am sorry that I'm not able to speak to you in Tamil. तो शिल्पा, लेकिन मेरा सवाल ये है, शिल्पा मेरा सवाल ये है कि आज तमिलनाडु में भी हमने ये देखा 10% वोटिंग कम हुई है पिछली बार के मुकाबले, सो जो एंथुजियाज्म है वो मिसिंग था। इससे किसको फायदा है, किसको नुकसान है? आप दिन भर इतने सारे लोगों से मिली, क्या लगता है आपको? सुधीर जी, 7 PM का जो डेटा आया है ईसी से, वो यही बता रहे हैं हमें कि 72% पोलिंग हुआ है तमिलनाडु में। और अगर आप ये 2019 इलेक्शन से कंपेयर करें तो 2019 में भी 72% था पोलिंग। तो ये फाइनल डेटा नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा शायद। तो फाइनल डेटा हमें रात को या फिर कल सुबह मिलेगा, लेकिन अभी तक हम जो भी डेटा इलेक्शन कमीशन से हमें या उन्होंने दिया है तो इट्स द सेम एज 2019, उतना डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अर्बन सेंटर्स जो कि चेन्नई, मदुरई, तो शिल्पा जो आप लेटेस्ट डेटा दे रही हैं, शिल्पा जो आप लेटेस्ट डेटा दे रही हैं कि उतना ही है जितना पिछली बार हुआ था, अब ये हमारे दर्शकों को बताइए कि डीएमके की जो स्थिति है इस समय, क्या वो पहले के जैसी ही है, पहले से बेहतर है? इस बार क्या बीजेपी का खाता वहां खुलेगा? अगर डीएमके के हम बात करें तो उनका बहुत ही एक कंफर्टेबल पोजीशन है इस बार, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एआईडीएमके और बीजेपी इस बार अलायंस में नहीं है। यस, एंटी इनकम्बेंसी है गवर्नमेंट के खिलाफ, थोड़ा बहुत नाराजगी है लोगों के बीच में, लेकिन ऑपोजिशन स्प्लिट होने के वजह से वो डीएमके के लिए बहुत ही एक एडवांटेज पोजिशन में है डीएमके पार्टी। शायद बीजेपी एंड एआईडीएमके, इफ दे हैड फॉट द सिलेक्शंस टुगेदर, करीबन
20 सीटों में डीएमके के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हुआ होता, लेकिन बिकॉज दी ऑपोजिशन स्प्लिट डीएमके के लिए इस इलेक्शन में भी वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है. लेकिन 10 सीट ऐसे भी है जहां पे कंपटीशन बहुत बहुत टाइट है, एक नेल बाइटिंग फिनिश होगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. तो इस वजह से आज का डीएमके का पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसी इलाकों में, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में था. फॉर एग्जाम्पल कोयम्बतूर, जहाँ से तमिलनाडु के बीजेपी चीफ के अन्नामलई लड़ रहे हैं, वैसे तिरुनेलवेली नैना नागेंद्रन को वहां से फील किया गया है बीजेपी ने, एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, सीनियर लीडर है. तो इन सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थोड़ा बहुत टाइट कंपटीशन डेफिनेटली है. तो इस वजह से अगर आप देखें तो सारी तीन पार्टियां जो है तमिलनाडु में, बीजेपी, एडीएमके एंड डीएमके, ऑल थ्री पार्टीज के लिए ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस बैटल है, एक हाई स्टेक बैटल है. शिल्पा आपका बहुत बहुत शुक्रिया. शिल्पा मैं अब आगे बढ़ूंगा, शिल्पा मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि अब हमें जाना है जयपुर, राजस्थान. और जयपुर से हमारे साथ शरद कुमार हैं. शरद, आज राजस्थान में भी 12 सीटों पर वोटिंग हुई है और इन 12 में से बीजेपी ने पिछली बार 11 सीटें जीती थी. आज हमें यह भी बताया गया कि राजस्थान में पिछली बार के मुकाबले वोटिंग कम रही है, जो जोश है वो देखने को नहीं मिला और ये बड़ा साइलेंट सा चुनाव है. आप क्या कहेंगे? आप दिन भर वहां पोलिंग बूथ्स पर रहे, लोगों से आपने मुलाकात की, बातें की, क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को आज? सुधीर जी, एनडीए की 12 की 12 सीटें थी और मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए क्या फ्राइडे को, शुक्रवार को चुनाव कराया जाए, क्योंकि पता नहीं देश के क्या मिजाज है. लोग समझते हैं 3 दिन की छुट्टी हो गई, बाल बच्चों की स्कूल बंद हो गए, चले घूमने चलते हैं. मैं जो देखा है, अपार्टमेंट्स जो बड़े बड़े हैं शहरों में, वहां जो बूथ हैं, वहां पर बैठे लोगों से बातचीत की कि आप लोग दोपहर में बैठे हो, एक भी आदमी नहीं आ रहा है. तो कह रहे थे कि देखिए पता नहीं इस बार क्या हो गया, कहाँ चले गए लोग, हम गए थे अपार्टमेंटों में बुलाने के लिए, वहां से भी नहीं निकल रहे हैं. तो एक दिन रामनवमी थी और एक दिन का फिर छुट्टी नहीं था, लगता है एक दिन की छुट्टी लेके 5 दिन के लिए निकल गए. मगर ग्रामीण इलाकों में वोटिंग हुआ है और जो आप बता रहे थे कि देखिए ये लोग जो एक उत्साह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए, उसमें कमी देखी गई. मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाराजगी नहीं थी, इसलिए लोग घर से हराने भी नहीं निकले. मगर उसके उलट जो जयपुर में देखा मैंने, ग्रामीण में और शहर दोनों लोकसभा क्षेत्र में, कि विपक्ष को लेकर भी और भी उत्साह कम था. कई जगह तो टेबल ही कांग्रेस के नहीं लगे थे और कई जगह लगे थे तो दोपहर 1 बजे चले गए थे. तो जो महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा विपक्ष लेकर आई थी, उस मुद्दे पर भी कोई भरोसा जताते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा था. इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो वैक्यूम हुआ है, ये वैक्यूम इसलिए हुआ है कि जो बीजेपी के बूथ पर बैठे कार्यकर्ता मुझे बता रहे थे कि हम लोग 20 साल से बैठ रहे हैं, पहली बार पार्टी के ऑफिस से या फिर उम्मीदवार के दफ्तर से यह भी पूछने के लिए फोन नहीं आ रहा है कि भाई मतदान कैसा चल रहा है. वरना हमें पिछले चुनाव में तो बीजेपी वॉकी टॉकी तक देती थी कि क्या चल रहा है. तो बीजेपी के संगठन के तरफ से भी उदासी हुई है. सारा दोष जनता को नहीं दे देना चाहिए. कांग्रेस में तो चलते रहता है जो उम्मीदवार है. जल्दी से आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इसे आप ऐसा देखते हैं कि बीजेपी ने भी और जनता ने भी ये मान लिया कि आएंगे तो मोदी ही, शायद इसलिए वो सोच रहे हैं कि ज्यादा कुछ अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, चुनाव मोदी के नाम पर हो रहा है, जनता मोदी को चाहती है, जनता ने भी सोच लिया वही जीत रहे हैं और सभी लोगों ने थोड़ा इसको इसके लिए गंभीरता अपनी कम दिखाई. बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात मैं कहने जा रहा था कि लोगों ने सोच लिया आएंगे तो मोदी, एक वोट मेरे नहीं देने से क्या हो जाता है. और विरोधी भी, देखिए पहली बार मैं परकोटे में घुमा हूं, चूरू के इलाके में पता किया हूं, मुस्लिम मतदाता भी घर से नहीं निकले कि वोट देकर क्या करेंगे, आएगा तो मोदी ही. तो इससे भी एक मुस्लिम इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम हुए हैं. तो ये एक सुनिश्चितता जो आप न्यू नॉर्मल की बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ी सच्चाई है इस चुनाव की कि मोदी तो आ ही रहा है, वोट देकर क्या करेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों की स्थिति कमोबेश ऐसी थी. ये एक बड़ा फैक्टर है. मुझे लग रहा है कि दूसरे चरण के चुनाव में इस पर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए, वरना ये जो फैक्टर है कि क्या करना है, मोदी है, मोदी की लोकप्रियता है, विधानसभा चुनाव से, ऐसे कहते हुए सुन रहा था मैं बीजेपी के नेताओं को कि चिंता मत कीजिए सर जी, विधानसभा चुनाव से 75% ज्यादा मोदी की लोकप्रियता बढ़ गई है. मुझे लग रहा है कि चक्कर में वो घर में बैठे रह गए. जी जी, जी शरद, अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश. राजस्थान तो बीजेपी का गढ़ है ही, मध्य प्रदेश भी बीजेपी का गढ़ है और हेमेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं. हेमेंद्र, 6 सीटों पर आज वोटिंग हुई है,
पिछली बार 5 सीटें यहां इनमें से बीजेपी ने जीती थी, एक छिंदवाड़ा को छोड़कर, जहां कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीते थे और बहुत अच्छी तरीके से वो जीते थे, 1 लाख से ज्यादा, 1,13,000 वोटों के आसपास से जीते थे। इस बार भी वही चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने इस बार क्या देखा? और जो हम उदासीनता की बात देख रहे हैं, क्या ये जो उदासीनता हमें राजस्थान में देखने को मिली, क्या वही उदासीनता, वही चुप्पी, शांति, साइलेंस मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है? जी देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे आपने बताया कि 6 सीटों के लिए चुनाव आज हुआ है और उसमें से एक सीट जो है कांग्रेस पार्टी के पास 2019 में आई थी और वहां पर सबसे ज्यादा नजरें लोगों की थी। भारतीय जनता पार्टी भी पूरा फोकस वहीं कर रही थी और ये सीट को, छिंदवाड़ा की सीट जो है, इसको थोड़ा सा आइसोलेशन में देखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर 6 बजे तक लगभग 73% वोट जो है, वोटर टर्नआउट जो है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है डेटा बाहर आया था। तो ऐसा नहीं है कि लोगों में उत्साह नहीं था, खासकर छिंदवाड़ा के अंदर। लेकिन छिंदवाड़ा में आपको बताऊं कि 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, पूरे मध्य प्रदेश में विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट अगर हम देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी की लहर सी दिख रही थी, लेकिन वो लहर छिंदवाड़ा के बॉर्डर पर जाकर के रुक गई थी और वहां पर सभी सीटें जो है कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो अभी जो है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कोशिश जरूर कर रही थी कि कमलनाथ को किसी ना किसी तरीके से कॉर्नर करें। लेकिन मैं 2 इंटरेस्टिंग वाक्य आपको बताना चाहूंगा जो बातों में आज लोगों से सामने आए। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि देखिए, कमलनाथ जी बहुत लंबे समय तक यहां के सांसद रहे, ये बात सही है कि उनके बेटे उनके बराबर परफॉर्म नहीं कर सकते और उनके जो सहयोगी थे जैसे दीपक सक्सेना है और बाकी लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले भी गए। लेकिन एक बात ये भी है कि यदि कमलनाथ यहां के सांसद नहीं होते तो छिंदवाड़ा की स्थिति भी मंडला, डिंडोरी या बाकी जो मध्य प्रदेश के नगर हैं उनकी तरह होती, ये बात नहीं होती कि आज छिंदवाड़ा जो है ना केवल मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के टॉप पर है बल्कि पूरे देश के मानचित्र पर भी। मतलब कमलनाथ को आप कह सकते हैं कि कमलनाथ छिंदवाड़ा के, कमलनाथ छिंदवाड़ा के मोदी हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा जो वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूँ वो विक्रम अहिके का है। विक्रम अहिके जो है बहुत साधारण परिवार से, आदिवासी परिवार से आते हैं और वो जो है छिंदवाड़ा के मेयर चुने गए थे, कमलनाथ की उनके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ था, वो कहते थे कि कमलनाथ ने उनको बनाया है, लेकिन चुनावों से कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। लेकिन आज सुबह 11:30-12 बजे के करीब उन्होंने फेसबुक पर एक अपील जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूँ लोगों से कि नकुलनाथ को ही वोट डालें, मेरे से गलती हो गई थी जो कुछ मैंने पिछले 15-20 दिन पहले किया था। उसके बाद हमने उनसे इंटरव्यू किया, उनसे बातचीत की तो वो लगभग रो गए थे और कह रहे थे कि मैंने, मेरे से गलती हुई, आगे मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन अगर मैंने ये आज डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं खुद का चेहरा आईने में नहीं देख पाता। तो इस तरीका का छिंदवाड़ा, मेरा आपसे बस ये सवाल है, छिंदवाड़ा तो आपने बता दिया लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की अगर मैं आपसे बात करूं, मध्य प्रदेश में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या मध्य प्रदेश में भी उत्साह की कमी आपको दिखाई दे रही है? मध्य प्रदेश में भी आपको ऐसा ही लगता है कि पहले के मुकाबले 2014-2019 के चुनाव भी आपने देखे थे, इस बार क्या अलग है? जी बिल्कुल, चुनाव में उत्साह की कमी है। जैसे सीधी में अगर देखें तो वोट काफी परसेंटेज गिरा है, वोटिंग परसेंटेज अगर लगभग थोड़ा बहुत ठीक ठाक अगर कहीं है तो वो बालाघाट में और छिंदवाड़ा में, इसके अलावा शहडोल में भी कमी है, मंडला में भी कमी है और भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रेडिशनली स्ट्रांग सीट्स है वहां पर उनको हराने की, ऐसा नहीं लगता है कि कोई हरा पाएगा। जैसे जबलपुर है वहां पर वो स्ट्रांग है, शहडोल में स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर कहीं फाइट है तो वो मंडला में है क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री है वो अभी हाल फिलहाल में विधानसभा का चुनाव हारे थे। जो ओमकार मरकाम है वो 4 बार के कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं, विधानसभा के 4 बार जीते हैं और वो एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी मतलब शहडोल में काफ़ी अच्छे से चुनाव लड़ी है, जबलपुर में स्ट्रांगली चुनाव लड़ी है और भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल एडवांटेज प्राइम मिनिस्टर मोदी और जैसा कि आपने शुरू में कहा कि राम मंदिर की वजह से है, पूरे देश में हो ना हो मध्य प्रदेश में तो वो दिख रहा है कि राम के नाम पर शायद वोट गिरा है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर ये 2-3 सीटें छोड़ दे, अभी छिंदवाड़ा थोड़ा सा डाउट में है, बाकी सीटों पे कांग्रेस पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही है लेकिन कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए श्योर मानी जा रही हैं और वो शायद इस वजह से है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का कैरिज्मा है और साथ ही साथ राम मंदिर का जो निर्माण हुआ उसका भी इम्पैक्ट है। जी, तो राम मंदिर से जो जागृति आई है वो मध्य प्रदेश में तो दिखाई दे रही है, ऐसा हेमेंद्र बता रहे हैं।